आखिर ये पैसों वाला चक्कर न जाने क्या है। अब्बू वावेला करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं कमाता नहीं हूँ। तो फिर अब्बू के दोस्त भी अब्बू जैसे ही हैं, उनके पास कौन सा खजाना है जो आए दिन अब्बू के पास जमा करवाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये। हेलो, कैसी हैं जनाब, क्या कर रही हैं आप? ठीक हूँ, बस बैठी सोच रही थी। हाँ, किसे सोच रही हो? तुम्हारा अंदाजा गलत है, मौजूदा हालात के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा अंदाजा गलत है ये कहकर तुमने मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित कर दिया। वैसे कल बात हुई थी मेरी उससे। क्यों? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। खुदा के लिए कॉल तो अटेंड कर लिया करो उसकी। नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों, आंटी ने मना किया है क्या? अम्मी ने जुम्मे तक की मोहलत दी है उसे, लेकिन उसके बाद जो होगा मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उफ, यानी तुम्हें उम्मीद नहीं है कि वो जुम्मे तक अपनी वालदा को लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मायूं क्यों बैठी हो? उठो और अपनी रूटीन की लाइफ स्टार्ट करो। और प्लीज किसी भी हाल में ना तुम कल ऑफिस चली जाना। अम्मी मुझे घर से निकलने नहीं दे रही, न जाने कौन सी उम्मीद है जो टूट नहीं रही। क्यों, क्या कह रही हैं वो? बस जुम्मे तक इंतजार कर लो। उफ, तुम्हारा ये जुम्मा ना तुम्हारी जॉब खा जाएगा। और पापा भी नाराज हो रहे हैं, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। और यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारी जगह मुझे हर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अल्लाह से डर कर ना रोज कान पकड़ के तौबा करती हूँ मैं। क्यों? तुम्हारी वजह से इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। सुबह कुछ शाम को कुछ, फॉर गॉड सेक यार यूनिवर्सिटी चक्कर लगा लो ताकि लोगों की जुबानों को ना लगाम दे सको। नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? अरे शर्म से डूब मरो बुजदिल। डरती हो इल्जाम लगाकर बदनाम करने वालों से? अपने आप पर, अपने किरदार पर, अपनी तरबियत पर गुरूर नहीं रहा या फिर भरोसा खत्म हो चुका है? सोया,